हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जिया चैनडीन से पूछता है कि क्या वो बता सकते हैं कि घोस फेस ग्रंट वाला ल्यूसीडियम कहाँ मिल सकता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम उसे व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड में देखा था, जहाँ तक जाने का उनके पास एक नक्शा भी है। और फिर वो बताते हैं कि अब बस 15 दिनों बाद ही व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड फिर से खुलने वाला है, जहाँ पर वो उसके साथ जाना चाहते थे। लेकिन जिया चैन उनके हाथ से वो नक्शा लेते हुए उन्हें अपने साथ आने के लिए मना कर देता है, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में न फंसे, जिस पर डीन उसकी बात मानते हुए उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं। इसके बाद अब हमें हाथियन सेट के एक सीनियर एल्डर का घर दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लियम फेंग आता है और उन्हें मास्टर कहकर ग्रीट करता है, जिस पर वो सीनियर एल्डर जो कि एक लेडी होती हैं, वो लियन फेंग को देखकर कहती हैं कि अब चूंकि तुम मार्शल स्पिरिचुअल रैली में पहुंच चुके हो, तो अब तुम व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड में जाकर स्वॉर्ड किंग का हेरिटेज यहाँ ला सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ और चाहती हूँ। और इतना कहते ही वो उसे अपने पास आने का इशारा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, अब जरा पास आओ, तुम्हें पता भी है कि मैंने इतने टाइम में तुम्हें कितना मिस किया है। अपने मास्टर के ऐसे इशारों को देखकर लियन फेंग थोड़ा सतर्क हो जाता है और फिर धीरे धीरे अपने मास्टर के पास चला जाता है और उनके सामने बैठ जाता है, जिस पर उसकी मास्टर उसके गाल को बड़े प्यार से सहलाती हैं और कहती हैं कि जब मुझे पता लगा कि तुम जियानचेन से हार गए हो, तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। कहो तो जियानचेन को मैं तुम्हारे लिए खत्म करा सकती हूँ, क्योंकि वो भी अभी व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड में जाने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये सुनते ही लियन फेंग कान खड़े हो जाते हैं और वो सतर्क होते हुए तुरंत ही उनके हाथ को झटक देता है और मना कर देता है कि उसे उसके ऑफर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जियानचेन को खुद मारकर अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लेना चाहता है। इतना कहते ही वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि मैं आपको स्वॉर्ड किंग के साथ साथ जियानचेन का सिर भी ला कर दूंगा, जिस पर उसकी मास्टर मनीमन कहती है कि आखिर वो बेकार से इंसान का सिर किसे चाहिए, मुझे तो बस स्वॉर्ड किंग का हेरिटेज चाहिए, जिसके बाद तुम और तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी, क्यों मेरे प्यारे फिल्म मेकिंग फर्नांडिस। वहीं जाते जाते लियन फेंग अपने मास्टर को देखकर सोचता है कि ये कभी नहीं सुधरेगी, ये हमेशा ही मेरा फायदा उठाना चाहती है, एक बार मेरे हाथ स्वॉर्ड किंग का हेरिटेज लग जाने दो, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर मैं भी क्या चीज हूँ। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर सीधे जियानचेन पर आ जाता है, जो कि व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड में पहुंच चुका था और वो एक पेड़ पर बैठकर उस मैप को देख रहा होता है और उससे पता लगता है कि इस समय वो व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड के हर्ब एंशिएंट हर्ब गार्डन के सामने बैठा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां पर उसे घोस्ट फेस ग्रंट वाला ल्यूसीडियम मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके कुछ देर बाद हमें व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे लोगों की भीड़ होती है। वहीं पर हमें नैन एरेसेट को दिखाया जाता है, जिसके डिसाइपल्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे होते हैं और वो लोग इस जगह को भी अपने बाप की जागीर समझकर किसी को भी अंदर जाने से मना करते हैं, वरना वो उन्हें जान से मार देंगे। ये चीज देखते ही वहाँ के सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये चीज देखते ही नैन एरेसेट के डिसाइपल्स का लीडर अपने चारों ओर एक एरे को परफॉर्म करने लगता है और अपने चारों ओर एक मजबूत शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसके ऊपर तीन तीन ड्रैगन्स होते हैं और इन्हें देखकर वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये नैन एरेसेट का सबसे पावरफुल एरे ट्रिपल ड्रैगन गेट एरे होता है, जिसे देखकर जियानचेन को नैन एरेसेट पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और वो सोचता है कि शायद उसने पिछली बार इन्हें सबक सिखाने में कहीं कुछ गलती कर दी थी, लेकिन इस बार वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। तभी नैन एरेसेट के डिसेबल्स का लीडर सभी से कहता है कि अगर वो लोग एंशिएंट हर्ब गार्डन में एंटर करना चाहते हैं, तो उन्हें 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स और एंशिएंट गार्डन में मिलने वाले आइटम्स का 50% नाइन एरेसेट को डोनेट करना होगा। इस शर्त को सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि ना तो वो इनसे फाइट कर सकते थे और ना ही वो इनकी शर्त को मानना चाहते थे। तभी वहाँ पर ज़्यादा सामने आता है और वो नाइन एरेसेट के डिसेबल्स को ललकारते हुए कहता है कि क्या ये लड़कियों की तरह पीछे छुपकर खड़े हो, अगर मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो, जिस पर ये लीडर अंदर से ही अपने एक ड्रैगन के जरिए ज़्यादाओं पर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना जोरदार था कि ज़्यादाओं को खुद को बचाने का भी समय नहीं मिलता है, जिसे देखते ही ध्यानचंद उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और उस लीडर के अटैक को रोकते हुए उसे डरपोक बोलता है और अपने हाथ से ही उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर उस लीडर को तो बिलीव ही नहीं होता है कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहा है। वही जियानचेन को अपने सामने देखकर जाओ तो खुश हो जाता है, जिस पर जियानचेन उससे कहता है कि इस फॉर्मेशन को कमजोर समझने की गलती मत करो, ये एक स्ट्रांग फॉर्मेशन है, और फिर कहता है कि अब चूंकि तुम्हारे पास ग्रेड 6 का वेपन है, तो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ऐसे अटैक्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस पर वो डिसेबल्स का लीडर जियानचेन का मजाक उड़ाने लगता है और उसे लगता है कि जियानचेन उसका ये अटैक कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उससे कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, अब मैं तुम्हें एक महीने का समय देता हूँ और इस टाइम में अगर तुमने इस पर एक खरोच भी डाल दी तो मैं अपनी हार मान जाऊंगा। इस पर जियानचेन उसकी बेवकूफी को देखकर हंसते हुए कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारे समय की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी एक उंगली से ही इसे अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जियानचेन की इस बात पर नैन एरेसेट के सभी डिसाइपल्स उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जियानचेन उनकी पावर को देखने के बाद सदमे में चला गया है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन इन्हें क्या पता कि जब जियानचेन अपनी पावर दिखाएगा तो
तो इन्हें सदमा लग जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से अनजान ये लोग ज़ियानचन का लगातार मजाक उड़ाते हैं और ताव में आकर इनका लीडर भी ज़ियानचन से कह देता है कि अगर तुमने वाकई एक उंगली से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम चाहो तो मेरे सिर के साथ फुटबॉल भी खेल लेना। अब इस बेचारे को कौन ही समझाए कि ज़ियानचन उसके साथ क्या क्या करने वाला है, वो सोच भी नहीं सकता है। तभी ज़ियानचन अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाते हुए अपनी फिंगर से उस एरे को टच कर लेता है। उसके ऐसा करते ही वो एरे धीरे धीरे चटकने लगता है और देखते ही देखते टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसे देखकर इन डिसेबल्स के लीडर को बिलीव नहीं होता है और उसे लगता है कि ये कोई हेलुसिनेशन है। जिस हेलुसिनेशन से जगाने के लिए ज़ाओ सामने आता है और भाग कर जाकर एक पंच जोरदार उसके मुंह पर जड़ देता है, जिसकी वजह से इसको हेलुसिनेशन और रियलिटी का फर्क समझ में आने लगता है। लेकिन ज़ाओ तो इसे बिल्कुल मौका न देते हुए इसकी छाती पर पैर रख देता है और कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि मास्टर लिंग अगर तुम्हारे इस एरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो तुम अपना सिर उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए दोगे, तो अब चलो तुम्हारे प्रॉमिस पूरा करने की बारी आ गई है। लेकिन तभी ज़ियानचन उसे टोकते हुए समझाता है कि जो समझदार लोग होते हैं उन्हें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, वो लोग ऐसी चीजों को इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इतना कहते हुए वो एंशियंट हर्ब गार्डन के अंदर आ जाता है, जिसके बाद हमें एंशियंट हर्ब गार्डन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नाइनर सेट के दो एल्डर्स को देख पाते हैं जो कि हाथियन सेट के बारे में कुछ बुरा करने का सोच रहे थे, लेकिन वो पकड़े ना जाएं इस बात की भी काफी ज्यादा वो केयर कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी एक एल्डर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो दूसरे को बताता है कि लगता है कि उनका एरे किसी ने तोड़ दिया है। ये बात सुनते ही वो दूसरा वाला एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी दोनों लोग सामने देखते हैं कि उनके सामने दो तलवारबाज चले आ रहे हैं और ये कोई और नहीं ज़ियानचन और ज़ाओ ताओ होते हैं। और हम देखते हैं कि ज़ाओ ताओ के चेहरे पर अभी भी काफी गुस्सा होता है और जैसे ही बाकी के लोग भी इन दोनों एल्डर्स को देखते हैं तो इन्हें पहचान जाते हैं और वो ज़ियानचन को बताते हैं कि ये दोनों ही नाइनर सेट से बिलोंग करते हैं और ये लोग यहाँ आए हैं इसका मतलब यहाँ कुछ जरूर गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही इस जगह पर नहीं आएंगे। अभी लोगों की ये बातें सुनकर एक एल्डर जिसके पास छड़ी होती है वो ज़ियानचन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम लोगों की मुलाकात तुमसे फिर से हो जाएगी, लगता है तुम ही वो हो जिसने उस एरे को तोड़ा था। जिस पर ज़ियानचन कहता है कि अपने उस कचरे को एरे से कंपेयर मत करो और फिर उसे रास्ते से हटने के लिए भी कहता है। ये सुनते ही ये एल्डर भड़क जाते हैं और ज़ियानचन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहते ही ये दोनों एल्डर एक साथ अपनी पावर का यूज करते हुए किसी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और ज़ियानचन से कहते हैं कि भले तुम्हें अभी लग रहा हो कि तुम इनविंसिबल हो क्योंकि तुमने ट्रिपल ड्रैगन के टैरे को तोड़ दिया है, लेकिन तुम हमारी पावर के आगे कुछ भी नहीं हो। इतना कहते ही उनका ये ज्वाइंट अटैक एरे भी रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पिरिचुअल पपेट अपीयर हो जाता है, जिसके बारे में एल्डर लू बताते हैं कि इसका एक अटैक किसी भी मार्शल स्पिरिचुअल रियल्म के अर्ली स्टेज के बंदे को खत्म करने के लिए काफी होता है और उन्हें लगता है कि ज़ियानचन इससे नहीं बच पाएगा। वहीं ज़ाओ ताओ इन लोगों की बात को सुनकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो ज़ियानचन से यहाँ से चलने के लिए कहने लगता है, जिस पर ज़ियानचन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है कि ये लोग मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर सकें। ज़ियानचन की इस बात को सुनकर भी वहाँ खड़े लोगों के अंदर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वहाँ पे कई लोग पीछे हटने लगते हैं, यानी कि वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उनमें से कई सारे लोग मार्शल स्पिरिचुअल रियल्म के जो अर्ली स्टेज है उस पर थे और अगर इन लोगों ने अटैक किया तो इनमें से कई सारे लोग यहीं मारे जाएंगे, इसलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ज़ियानचन भी अब पीछे न हटते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है। तभी ये लोग भी अपने स्पिरिचुअल पपेट के साथ ज़ियानचन पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन ज़ियानचन इस अटैक को देखकर उसकी तरफ ही बढ़ जाता है और काफी स्पीड में इस स्पिरिचुअल पपेट के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट होते हैं और वो ब्लास्ट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो इस स्पिरिचुअल पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा इंजर्ड होकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और एल्डर लियो की रॉन्ग कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम इतने पावरफुल होने के बाद और अपने इस ज्वाइंट अटैक के बावजूद भी ज़ियानचन जैसे एक मार्शल स्पिरिचुअल रियल्म के लोअर स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट से हार गए। और फिर वो ज़ियानचन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो, जिसके जवाब में ज़ियानचन कहता है कि तुम जैसे बेकार लोगों को ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो जंप करते हुए सीधे उनके पास आ जाता है और कहता है कि चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं, अब चुपचाप ये बताओ तुम यहाँ लोगों को आने से क्यों रोकना चाहते थे। जिस पर वो एल्डर कहता है क्या तुम इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, अगर तुम हमसे प्रॉमिस करते हो कि तुम हमें जिंदा जाने दोगे तो हम तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। जिस पर ज़ियानचन सबसे पहले अपनी शॉर्ट से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि ज़ियानचन को इस बात से बहुत गुस्सा आई थी कि कोई उसके सामने उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यही बात कहते हुए वो दूसरे एल्डर से बड़ी स्टाइल में पूछता है कि हाँ एल्डर, अब आप बताइए क्या आप भी इसी की तरह हैं। जिस पर वो तुरंत भीगी बिल्ली बनते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं अपने बड़े भाई की तरह नहीं हूँ,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो उसे बताना शुरू करता है कि ये सब हमने यू ली यूनफेंग के कहने पर किया था, क्योंकि वो यहाँ पर स्वॉर्ड किंग इनहेरिटेंस को अनसील करना चाहता था। इसीलिए उसने हमें एक एग्रीमेंट साइन किया हमारे साथ और हमें यहाँ बाहर पहरा देने के लिए कहा। और काम पूरा हो जाने के बाद वो ये व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड हम नाइनेरे सेक्ट वालों को दे देगा, जिसके बाद हाउटियन सेक्ट कभी भी यहाँ इंटरवीन नहीं करेगा। उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद जियान चैन एक बात तो अच्छे समझ जाता है कि उसे अपना काम खत्म करने के बाद सबसे पहले ली यूनफेंग को सप्रेस करना होगा, वरना वो आगे चल के उसके लिए प्रॉब्लम ऐसे ही क्रिएट करता रहेगा, क्योंकि ली यूनफेंग बहुत जल्दी ही पावरफुल बनता जा रहा था। इसीलिए वो सबसे पहले उस एल्डर से पूछता है कि क्या उसे घोस्ट फेस गेनोट्रिमा ल्यूसीडियम के बारे में पता है कि वो यहाँ गार्डन में कहाँ मिलेगा, जिस पर वो याद करता है और उसे बताता है कि उसने उसे देखा था। और फिर वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो वहाँ गार्डन के डीप साइड में मिलेगा, जिस पर जियान चैन उस एल्डर को रास्ता दिखाने के लिए कहता है, और अगर वो लोग उस हर्ब को ढूंढने में कामयाब रहे तो वो इसे जिंदा जाने देगा। ये सुनते ही वो एल्डर खुश हो जाता है और सिर पटकते हुए कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए अपना बेस्ट देगा, जिस पर जियान चैन उसे बातें बंद करके रास्ता दिखाने के लिए कहता है, जिस पर वो एल्डर जियान चैन को एक तरफ ले जाने लगता है। तो ये देखकर ज़ावता भी जियान चैन के पीछे पीछे जाने लगता है, जिसके बाद ये सीन कट कर गया हमें एंशिएंट हार्ब गार्डन के अनमार्क्ड केव को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि केव के अंदर एक तलवार जमीन में गड़ी हुई है, जिसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो कि नहीं चिल्ला रहा होता है। तभी उस शॉट में से एक टाइगर स्प्रिट बाहर आती है और वो सीधे उस आदमी को खत्म कर देती है, जिसे वहीं खड़ा हुआ ली यूनफेंग भी देख रहा होता है। और उसकी बातों से पता चलता है कि उसने ही इस आदमी को पकड़कर यहाँ सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर एक सील लगी हुई है जो कि इसे आगे जाने से रोक रही थी, लेकिन कई ह्यूमंस का सेक्रीफाइस देने के बावजूद भी ये सील अभी तक अनसील नहीं हुई थी। इसीलिए उसे लगता है कि उसे अभी और लोगों की सेक्रीफाइस देने की जरूरत है। इसीलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि नाइनेरे सेक्ट वालों से कहकर सभी को अंदर आने दिया जाए, जिसके बाद तुम लोग जाकर उन सबको पकड़कर यहाँ ले आना, जिस पर वो सारे गार्ड्स तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें कई सारे लोग दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि नाइनेरे सेक्ट पहले ही अपना वो एरे हटा चुकी है या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती हटा दिया है। लेकिन वो इस बात से खुश होते हैं कि उन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़कर सेक्रीफाइस दे सकते हैं। इसीलिए वो लोग एक एक करके वहाँ खड़े सभी लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम जियान चैन को देख पाते हैं जो कि एंशिएंट हर्ब गार्डन के डीप एरिया में आ चुका था, जहाँ वो और ज़ावता मिलकर अलग अलग हर्ब्स को चेक कर रहे होते हैं। तभी ज़ावता को वहाँ पर एक हर्ब मिल जाती है और वो जियान चैन को चिल्लाकर बताता है कि उसे वो हर्ब मिल गई है। और हम देखते हैं कि उसके पास घोस्ट फेस गेनोट्रिमा ल्यूसीडियम वाली हर्ब होती है, जिसे देखते ही जियान चैन उसके पास जाता है और उसे वो हर्ब लेकर चेक करता है। और उसे ये देखकर काफी खुशी होती है कि आखिर उन्हें वो हर्ब मिल गई जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। जियान चैन को ये हर्ब देने के बाद ही तुरंत ज़ावता और भी हर्ब्स को ढूंढने के लिए लग जाता है। वहीं हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि ये सोचता है कि शायद उसकी जान बच जाएगी। वहीं ज़ावता जियान चैन को हर्ब देने के बाद तुरंत ही और भी कई सारी हर्ब्स को ढूंढने के लिए लग जाता है, और बस कुछ ही देर में कई सारी घोस्ट फेस गेनोट्रिमा ल्यूसीडियम हर्ब्स को ढूंढ निकालता है। लेकिन जैसे ही वो जियान चैन को इस बारे में बताता कि उससे पहले ली यूनफेंग के आदमी आकर उसे अपनी चेन से पकड़ लेते हैं, वो को समझ पाए उससे पहले ही वो लोग उसे अच्छे से बांधकर वहां से उड़ाकर ले जाने लगते हैं। ये देखते ही वो जियान चैन को अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, और ये सुनकर जियान चैन तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए आने लगता है। लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए वहां पर एक और आदमी आ जाता है, और वो भी जियान चैन को एक नॉर्मल पर्सन समझकर उस पर अपनी चेन से अटैक करने वाला होता है। ये देखते ही जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर बस एक स्लैश मार देता है। उसका स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आदमी अपने बर्ड के साथ जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो दोनों वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी वो एल्डर जियान चैन के पास आता है और उसे इस आदमी को देखते हुए बताता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये तो ली यूनफेंग का आदमी है। ली यूनफेंग का नाम सुनते ही जियान चैन को ली यूनफेंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कसम खाता है कि वो उसे नर्क में पहुंचा कर रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर ली यूनफेंग की बात हो रही है, इसीलिए अब हमें ली यूनफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सामने उसके जो फॉर्मेशन होता है उसके बीस्ट को देखते हैं, जहाँ उसने अभी तक कई लोगों का सेक्रीफाइस ले लिया होता है। इतने सारे लोगों का सेक्रीफाइस लेने के बाद ये टाइगर स्प्रिट अपग्रेड हो जाती है, और हम देखते हैं कि इसके पंख भी निकल आते हैं और ये जोर से दहाड़ मारती है, जिसे देखकर ली यूनफेंग सोचता है कि अगर ये ब्लड टाइगर इसी तरीके से इवॉल्व होता रहा तो बस मुझे स्पिरिचुअल रैम के 100 लोगों का सेक्रीफाइस देना होगा, जिसके बाद यहाँ की सील हट जाएगी, लेकिन अगर मैं जियान चैन का सेक्रीफाइस दे पाया तो शायद ये और जल्दी हट जाएगी। तभी वहाँ पर उसके सोल्जर्स वापस आ जाते हैं और वो ली यूनफेंग को बताते हैं कि उसके ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पर ज्यादातर लोगों को पकड़कर लाया जा चुका है और इन लोगों की टोटल संख्या 50 होती है। तभी वो लोग चिल्लाते हुए ली यूनफेंग से कहते हैं कि ली यूनफेंग आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम भी तो हमारी तरह ही हाउटियन सेक्ट के डिसाइपल हो, तो तुम हमें इस तरीके से यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो। अगर हमारे सेक्ट को पता लग गया कि तुम यहाँ पर ब्लड एरे को डिफाइन करने के लिए हम लोगों की बलि दे रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत देंगे। जिस पर ली यूनफेंग मुस्कुराते उनकी तरफ देखता है और कहता है
कि जो लोग मरने वाले होते हैं उन्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम लोग सोचो, अगर तुम लोग मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों का जो पैसा है वो भी बचेगा, उनका अनाज भी बचेगा, है कि नहीं। इसी के साथ वो अपने गार्ड्स को कहकर उन लोगों को एरे में भेजने के लिए कहता है ताकि ये सेक्रीफाइस सेरेमनी कम्प्लीट हो सके। लेकिन ये सब होती उससे पहले ही वहां पर उसके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जो कि ज़ावताओं ने किया था। और हम देखते हैं कि ज़ावताओं ने लियन फेंग के गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ था। और वो लियन फेंग से कहता है कि तुम ये अच्छे से जानते हो कि डिसेबल्स के ब्लड से किसी भी प्रकार की रिफाइनिंग करना एक टेरिबल क्राइम होता है, इसीलिए जल्द से जल्द ये सब रोक दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर लियन फेंग उसे कहता है कि देखने में तो तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर हीरोपंती दो। जिस पर ज़ावताओं भी कहता है कि मुझे ये अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मास्टर लिंग को आ जाने दो, वो तुम्हारी चटनी बना देंगे। जिस पर वो कहता है कि बेटा मेरी चटनी बाद में खा लेना, लेकिन पहले अपने मास्टर को तो लेके आओ, कहीं ये तुम्हारा मास्टर लिंग वो तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो उल्लू का पट्टा लिंग ज़ियानचेन, और अगर ऐसा ही है तो मैं उसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। इतना कहते ही वो अपने हाथ में एक अजीबोगरीब पावर को अपीयर कर लेता है, जिसे देखते ही ज़ावताओं के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये तो एक ट्रैप था। लेकिन अब इस सब को समझने के लिए काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लियन फेंग ने ज़ावताओं पर अटैक कर दिया था। ज़ावताओं जैसे तैसे करके उसके पहले अटैक को तो डॉच कर लेता है, लेकिन उसका दूसरा अटैक और ज्यादा पावरफुल होता है जो कि बिल्कुल सटीक होता है, इसलिए उसे लगता है कि वो नहीं बच पाएगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है जो कि ज़ियानचेन वहाँ टाइम पर आ जाता है और सीधे लियन फेंग के हाथ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियन फेंग का हाथ इंजर्ड हो जाता है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से ज़ावताओं की जान बच जाती है। और ज़ियानचेन लियन फेंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे होते हुए मेरे लोगों पर हमला कर रहे हो। और फिर सॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम अपने बाप की तरह ही दूसरों की जिंदगियों को अपने फायदे के लिए रिस्क में डाल रहे हो। जिस पर वो हंसता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरने के लिए मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने पहले ही ये गैस कर लिया था कि तुम आज के दिन यहाँ पर जरूर आओगे। जिस पर ज़ियानचेन भी एटीट्यूड में कहता है कि अच्छा तो फिर दिखाओ तुमने मेरे लिए क्या तैयारी की है। जिस पर लियन फेंग उसे ध्यान से देखने को कहते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और अपनी पावर्स को अपीयर करते हुए वहां लगे हुए ब्लड स्प्रिट एरे को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस एरे का ब्लड टाइगर स्प्रिट ज़ियानचेन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए लियन फेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यही वो गिफ्ट है जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया ज़ियानचेन, इसे ध्यान से देखो। इस ब्लड टाइगर स्प्रिट को देखने के बाद तो ज़ावताओं अंदर से हिल जाता है और वो ज़ियानचेन को तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से ब्लड टाइगर स्प्रिट को रोक पाना इतना आसान नहीं है। इस पर ज़ियानचेन कहता है कि तुम बस रिलैक्स करो और देखो कि मैं इसे किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ। इतना कहते ही वो इस ब्लड टाइगर स्प्रिट की तरफ बढ़ जाता है और अपनी सॉर्ड से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये ट्रिक्स बस मेरे सामने कचरा है। इतना कहते ही वो ब्लड टाइगर स्प्रिट को चीरते हुए सीधे लियन फेंग पर अटैक कर देता है, जिस पर लियन फेंग अपनी सॉर्ड से उसके इस अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन लियन फेंग की पावर एनफ न होने की वजह से वो ज़ियानचेन के अटैक को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाता है और ज़ियानचेन का अटैक उसकी सॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे जा लगता है, जिसकी वजह से लियन फेंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसे बिलीव नहीं होता है कि ज़ियानचेन ने उसे इतनी जल्दी हरा दिया। इसीलिए वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पास किंग वू की पावर्स हैं। जिस पर ज़ियानचेन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें भी अब समझ में आ गया, खैर अब तुमने लास्ट वर्ड अपने बोल ही लिए हैं तो अब चुपचाप मर जाओ। जिस पर वो कहता है कि नहीं तुम मुझे अभी नहीं मार सकते हो, मैं भी किसी की मुझे नहीं मर सकता हूँ। ये सुनकर ज़ियानचेन थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उसके कुछ समझ पाने से पहले ही लियन फेंग वहां से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है और वो ज़ियानचेन से कहता है कि बस तुम मेरा हाउथ इंसेक्ट में वेट करो, जिस दिन मैंने स्वॉर्ड किंग का इनहेरिटेंस एब्जॉर्ब कर लिया वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन न बना दिया तो मेरा नाम भी लियन फेंग नहीं। इतना कहते ही वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर ज़ियानचेन सोचता है कि स्वॉर्ड किंग फ्लाइट, लगता है कि स्वॉर्ड किंग अटैकिंग में बेकार है लेकिन भागने में काफी अच्छा है। तभी ज़ावताओं उससे कहता है कि मास्टर लिंग, मुझे लगता है कि स्वॉर्ड किंग की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर लियन फेंग ने उनके इनहेरिटेंस को इनहेरिट कर लिया और उसे अच्छे से समझ लिया तो वो किंग वू की पावर्स को भी हासिल कर लेगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसकी वजह से हमें काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो ज़ियानचेन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर वो किंग वू की पावर्स को हासिल भी कर लेता है तो बस मुझे एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी जिसके बाद मैं उसे इजीली खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो ज़ावताओं को यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका था। ज़ियानचेन की ये बात सुनने के बाद ज़ावताओं हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर ज़ियानचेन की रियल स्ट्रेंथ कितनी होगी जो वो इतनी आसानी से किसी किंग के लेवल के बंदे को मारने की बात कर रहा है। लेकिन फिर वो इस बात को यहीं ड्रॉप करते हुए ज़ियानचेन के साथ यहाँ से चला जाता है। अभी सीन कट होता है और हमें लियन फेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि हेल्प के लिए अपने मास्टर के पास आया होता है क्योंकि वो इस समय काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और उसी के साथ उसे ज़ियानचेन पर भी काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ियानचेन जैसा इंसान अपनी पावर्स को हाइड करके भी रख सकता है। इसलिए वो जल्द से जल्द किंग वू की पावर्स को हासिल करना चाहता था
ताकि वो जियान चैन को मारने के काबिल बन सके। और वो ये सोचते हुए अपनी मास्टर के पास जा पहुंचता है, जो कि अपने बिस्तर पर अभी भी लेटी होती हैं। और जैसे ही उसकी मास्टर की नजर लियान फेंग पर जाती है तो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी हालत कैसे हो गई, जिस पर वो खांसते हुए कहता है कि मास्टर, मैंने आपके ऑर्डर के हिसाब से स्वॉर्ड किंग का इनहेरिटेंस तो ले लिया है, लेकिन मैं जियान चैन के हाथों इंजर्ड हो गया। अब मुझे जल्दी से आप हील कर दीजिए वरना मैं मारा जाऊंगा। जिस पर उसकी मास्टर भी उसे बड़े ही सेक्सी अंदाज में अपने पास आने के लिए कहती है ताकि वो उसे हील कर सके। अब ये हील कौन सा वाला है ये तो देख के पता लगेगा। लियान फेंग की मास्टर लियान फेंग को अपने पास बुलाने के बाद मनी मन एक इविल स्माइल देती है, क्योंकि वो लियान फेंग को अपने लिए यूज करना चाहती थी। अब इस समय लियान फेंग ऑलरेडी इंजर्ड है, इसलिए वो उससे ज्यादा फाइट भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो लियान फेंग की सारी कल्टीवेशन को अपने अंदर एब्जॉर्व करके उसे खत्म कर देंगी। इतना ही नहीं, वो स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस को भी एब्जॉर्व कर लेंगी, जैसे कि वो इजिली किंग वो के रेल्म में एंटर कर जाएंगी। और लियान फेंग को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपने मास्टर के गलत इरादों के बारे में अच्छे से जानता है। इसके बावजूद भी वो अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर उसकी मास्टर भी उसे अपने गले लगाते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें हील करती हूँ। और वे कहती है कि लियान फेंग, तुम्हें पता है कि मेरे पास एक स्पेशल मेथड है जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ बस यूं चुटकियों में हील हो जाएगी। और ऐसा वो उसके मुंह में उंगली देते हुए कह रही होती है, जिस पर लियान फेंग भी उनकी उंगली को चूसते हुए कहता है कि मास्टर, आप जो भी कहेंगी मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर उसकी मास्टर ओके बोलते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है। तो ये देखकर लियान फेंग चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये मौका इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसका इतना ही सोचना था कि उसकी मास्टर उसके पास आ जाती है और उसे पकड़ते हुए उससे लिपट जाने के लिए कहती है, जिस पर लियान फेंग भी उनकी बात मानते हुए उनसे लिपट जाता है। लेकिन लियान फेंग की मास्टर लियान फेंग के साथ साथ हम सभी के अरमानों पर पानी फेरते हुए लियान फेंग के साथ कुछ भी नहीं करती है। बस वो करती इतना है कि उसकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देती है। ये देखते ही लियान फेंग भी चिल्लाने लगता है कि मास्टर मुझे छोड़िए, अब ये क्या कर रही है, आप मेरी कल्टीवेशन को डिवॉर्व क्यों कर रही है। जिस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे एक फर्नेंस बनोगे और तुम्हें काफी ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि तुम मेरे लिए काम आ रहे हो। वैसे भी अब मैं किंग वुड रेल्म में रीच करने वाली हूँ, जिसके बाद मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही लियान फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि मास्टर, अगर आप मेरे साथ ऐसा करना चाहती हैं तो भी ठीक है, मैं भी आपके साथ सेम ऐसा ही करूंगा। इतना वो सुनते ही उसकी मास्टर घबरा जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी अगले ही पल लियान फेंग उनकी पावर को डिवॉर करना शुरू कर देता है और काफी तेजी से डिवॉर करता है। इतना ही नहीं, वो अपनी मास्टर को उनका गला पकड़ कर भी उठा देता है और कहता है कि तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, इसके बावजूद भी तुम किंग वू रेल्म में रीच करना चाहती हो, आखिर तुम किंग वू की पावर्स को लेकर करोगी भी क्या, मैं तो भी जवान हूँ, इसलिए तुम चुपचाप अपनी पावर्स मुझे दे दो, कम से कम वो मेरे काम तो आएगी। तो इस पर उसकी मास्टर कहती है कि इम्पॉसिबल, अगर तुम्हें इस डिवॉर्निंग टेक्निक के बारे में कैसे पता। जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि मास्टर, शायद आप अच्छे से जानती नहीं है कि ये वो भी स्वॉर्ड किंग के इनहेरिटेंस में शामिल होता है। इतना कहते ही वो उनकी पावर्स को और भी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। जिस पर उसकी मास्टर मरते हुए कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो हार्डियन सेक्ट वाले तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस चुपचाप मर जाओ, क्योंकि किंग वू की पावर्स को हासिल करने के बाद हाउथियन एक्ट मेरे सामने कुछ नहीं रह जाएगा। इतना कहते ही वो अपनी मास्टर का खेल खत्म करने के लिए उनके सिर पर अपना हाथ रख देता है, जिसके ऐसा करते ही उसकी सारी पावर्स निकल कर लियान फेंग के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी मास्टर वहीं मारी जाती है। जिसके बाद वो अपने मास्टर के ऊपर पैर रखते हुए सामने जाकर बैठ जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो उनकी पावर्स को अच्छी तरीके से रिफाइन कर सके और फिर उन्हें अपनी स्वॉर्ड किंग इनहेरिटेंस के साथ इंटीग्रेट करके किंग वू रेल्म को ब्रीच कर सके, किंग वू रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सके। इसके कुछ देर बाद हमें चीफ एडिटर के बेडरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान चैन इसी तरफ बड़ा चला आ रहा था। तो वहां पर खड़े हुए गार्ड्स रोक देते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। जिस पर वो उन्हें सामने से हट जाने के लिए कहता है और बताता है कि वो यहां पर लियान फेंग के लिए आया है। तो इस पर वो गार्ड्स उसे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ लियान फेंग से मिलने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये चीफ एडिटर का बेडरूम है और यहाँ बिना उनकी परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ उसे मारने के लिए आया हूँ। मारने की बात सुनकर वो गार्ड जोरों से ठाके लगा के हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये भी उन लोगों में से एक है जो कि फेमस होने के लिए लियान फेंग को चैलेंज करने के लिए आते रहते हैं। अब चूंकि जियान चैन का दिमाग पहले से ही खराब होता है, इसीलिए इनकी बातें सुनने के बाद तो उसका पारा और हाई हो जाता है, इसीलिए वो गुस्से में अपनी सौर निकाल कर उन पर एक स्लैश मार देता है। उसके स्लैश की वजह से वहाँ की जमीन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिसे देखकर उन सभी गार्ड्स के तो पसीने छूट जाते हैं। और फिर जियान चैन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे और जल्द से जल्द मुझे लियान फेंग के पास नहीं ले गए तो मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। उसका इतना ही कहना था कि तभी वहाँ पर यून जियान आ जाती है और वो हमेशा की तरह ही जियान चैन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि इस बार तुम लियान फेंग को परेशान करने आ गए, निकलो यहाँ से।
अब जियान चैन का पहले ही मूड इतना खराब था, इसीलिए वो उस पर रहम ना करते हुए तुरंत उस पर एक अटैक कर देता है। उसका अटैक से वो दूर जा गिरती है और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन आज शायद जियान चैन का दिन ही खराब होता है, क्योंकि उसे फिर से परेशान करने के लिए ह्यून जियान की मास्टर पेंगुइन भी वहां आ जाती हैं और वो उस पर अटैक करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी डिसेबल को टच किया। पेंगुइन को वहां देखकर जियान चैन कहता है कि लो एक और लूजर आ गई। इतना कहते ही वो अपने अटैक को उनकी तरफ कर देता है और जैसे ही इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और मिस पेंग जियान चैन से कहती है कि उस दिन वहां पर तुम्हें बचाने के लिए सभी एल्डर्स मौजूद थे और मैं उस दिन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही एक्सप्लोड कर गई थी, जिस वजह से मैं तुम्हें उस दिन मार नहीं पाई। जिस पर हमारा जियान चैन स्टाइल मारते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज हेल भेज देता हूँ। इतना कहते ही वो उस पर अपनी सॉर्ड से अटैक कर देता है। ये देखते ही मिस पेंग भी अपनी पर्पल फायर पंच को रेडी करने लगती है। तो ये देखकर जियान चैन सोचता है कि पहले तो अगर मैं इनसे फाइट करता तो मुझे अपने गॉड ड्यूब्लेट को कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती, लेकिन अब चूंकि मैं जैनबुरेल में पहुंच चुका हूँ तो मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। इतना सोचते ही वो अपने शैडो ब्लेड स्लैश की स्काई शॉटिंग टेक्निक का यूज करते हुए मिस पेंग पर अटैक कर देता है और इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस वजह से वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है और एक एनर्जी बीम आसमान की तरफ चली जाती है। इस एनर्जी बीम को हमारे डेंगी हॉल के मास्टर यानी कि डीन भी देख रहे होते हैं। उनके पीछे वाइस लीडर हैनहाओ भी खड़े होते हैं और वो भी इस एनर्जी बीम को देखकर कहते हैं कि कहीं ये एनर्जी बीम उसकी तो नहीं है। जिस पर डीन कहते हैं कि हाँ, ये लिंग जियान चैन और पेंगुइन की ही है, आखिर ये दोनों दोबारा फाइट क्यों कर रहे हैं। इस बात को चेकआउट करने के लिए डीन वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं, जिनके पीछे पीछे हैनहाओ भी चले जाते हैं। इसके बाद हमें पहली बार हाथियन सेट के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पहली बार यहाँ के पैट्रियार्क को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी वो अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें फील होता है कि यहाँ कोई फाइट कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि हाउदियन सेक्ट के अंदर फाइट कर रहा है। हम वहाँ पर एल्डर ज़ाओकुन और एल्डर हुफेंग को भी देख पाते हैं और ये दोनों ही पैट्रियार्क के साथ कल्टीवेट कर रहे थे और एल्डर ज़ाओकुन ओरा को जज करके बताते हैं कि लगता है कि लिंग जियान चैन और पेंगुइन फिर से फाइट कर रहे हैं। इस पे एल्डर हुफेंग पैट्रियार्क से कहते हैं कि पैट्रियार्क ये फाइट एकदम बढ़िया टाइम पे हुई है, इससे अब आपको भी पता लग जाएगा कि लिंग जियान चैन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर पैट्रियार्क भी उनके मानते हुए कहते हैं कि ठीक है तो चलो चल के देखते हैं। इतना कहते ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं और पैट्रियार्क जाते जाते सोचते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लोग जिस आदमी के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि वो लियन फेंग से ज्यादा टैलेंटेड है वो असलियत में है भी या नहीं। इसके बाद ये सीन सीधे चीफ एल्डर के हॉल की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है और हम वहीं धुएं में एक जगह ह्यून जियान को भी बैठा हुआ देख पाते हैं और वो मन ही मन खुश होते हुए सोच रही होती है कि मेरे मास्टर के इस पंच के बाद तो जियान चैन की हालत तिड़ी बड़ी हो गई होगी। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी मास्टर जियान चैन के सामने नीचे पड़ी हुई है और वो इंजर्ड भी है। इतना ही नहीं, जियान चैन को जरा भी खरोच नहीं आई होती है। तभी जियान चैन मिस पेंग से कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, इसके बावजूद भी आपने छोटी सी बात पर मेरी जान लेने की कोशिश की। ये सब देखते हुए आप इस कल्टीवेशन बेस और एल्डर होने के लायक नहीं है। और फिर वो वहां से जाते हुए कहता है कि आपने इविल पाथ को चूज किया है और अगर नहीं तो अपने अंदर की बुराई को खत्म करके अपने अंदर के डीमन को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए, जिससे आपका कल्टीवेशन बेस हमेशा के लिए इम्प्रूव होना रुक जाएगा। इस तरीके से जियान चैन मिस पेंग को अपना कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय करके हमेशा पश्चाताप करने के लिए कह रहा था, लेकिन इम्प्रूवमेंट को हमेशा के लिए रोक देने की बात सुनकर मिस पेंग पर रहा नहीं जाता है और फिर वो इविल स्माइल देते हुए पीछे से जियान चैन पर अटैक कर देती हैं, जिसे देखते ही जियान चैन कहता है कि अब तो तुम्हें जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। उसके इतना कहते ही मिस पेंग का अटैक आकर सीधे उसको लग जाता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर मिस पेंग की फायर फैल जाती है, यानी कि मिस पेंग की पर्पल फायर उसके चारों ओर आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसमें जलने लगता है। जिसे देखकर मिस पेंग बड़ी खुश होती हैं और खुश होते हुए कहती हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे इस स्नेक अटैक से नहीं बच सकते हो। तुम्हारा गॉड ड्यूब्लेट भी अब तुम मेरी पर्पल फायर से नहीं बचा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डीन ओयोंग और हैनहाओ भी आ जाते हैं और ये देखकर ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि मिस पेंग ने जियान चैन पर अपनी पर्पल फायर से अटैक किया है। तभी वहां पीछे से पैट्रियार्क भी आ जाते हैं और वो डीन से पूछते हैं कि क्या यही वो जीनियस है जिसके बारे में तुम मेंशन कर रहे थे, इसने तो बैटल खत्म होने से पहले ही दुश्मन को अपनी पीठ दिखा दी, जिससे साफ पता चल जाता है कि उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि तुमने क्लेम किया था। उन्हें वहां देखकर डीन और वाइस लीडर उनके सामने झुक जाते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि प्लीज आप जियान चैन को बचा लीजिए, वो हमारे पास इकलौता ऐसा इंसान है जो पिल्स अरे और वेपन रिफाइनमेंट आर्ट में सबसे ज्यादा स्किलफुल है। इतना ही नहीं, एल्डर ज़ाओकुन और एल्डर हुफेंग भी जियान चैन की जान बचाने के लिए पैट्रियार्क से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इस पर पैट्रियार्क बताते हैं कि पेंगुइन की पर्पल फायर ऑलरेडी
पीक लेवल को रीच कर चुकी है। इसका मतलब कि अब उसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। पैट्रियार्क की ये बात सुनते ही हैनहाव और डीन के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और डीन गुस्से में आकर मिस फैंग से कहते हैं कि मिस फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे सेक्टरी रूल्स को इग्नोर किया और बिना परमिशन के इलाइट डिसाइबल को मार दिया। आज तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। इस पर मिस फैंग हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर ओयोंग, यहाँ पर तुम थोड़ा गलत हो। ज़ियान चैन ने बिना किसी परमिशन के ही चीफ एल्डर के बेडरूम में जाने की हिम्मत की और इसीलिए मैंने सेक्टरी रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसे मौत की सजा दी। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी ज़ियान चैन की आवाज आती है और वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मुझे मार सकती हो? इतना कहते ही वो उस पर्पल फायर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो पूरी पर्पल फायर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो भाई और उनकी बहनों, इतने देर से आने के लिए सॉरी। वैसे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ पर मुझे पता है कि मैं गिल्टी तो हूँ ही। अब चूंकि आप सभी पूछ रहे थे कि मैं इतने टाइम से कहाँ था और क्या कर रहा था, तो मैं भी आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इन 3 महीनों में कई तरीके की प्रॉब्लम्स में ही लग गया था, जिस वजह से ज्यादातर टाइम मैं घर के बाहर रहता था या फिर बिजी रहता था। अब मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, ये बात भी आपको समझनी होगी। जिस तरह आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होने पर अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर आप फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ और मैं उस समय वही कर रहा था। और वैसे भी ये 3 महीने मेरे लिए किसी हेल से कम नहीं थे। अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था। और रही बात कल वीडियो अपलोड ना करने की, तो वो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था और आज के दिन मैंने एडिटिंग कंप्लीट की है। मेरे गले में थोड़ी सी खराश है इसलिए वीडियो में आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हुई होगी, इसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि अब से आपको इतना ज्यादा परेशान ना करूं। वैसे मुझे आपसे एक शिकायत भी है, आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे कुछ ज्यादा ही डांट देते हैं जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे काफी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे ये भाई SSNMYT मुझे हमेशा ही जान से मारने पर लगे रहते हैं। मैं भाई इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है, क्या बिगाड़ा है जो आप इतने गुस्से में हैं कि भाई मुझे हर बार अपनी कमेंट से मारने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मुझे तो शायद लगता भी नहीं होगा कि हमारे ये भाई अभी देख भी रहे होंगे वीडियो या नहीं देख रहे होंगे, आई डोंट नो। खैर, अब कर भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा और जो भी गलतियां हो अपने भाई को उसके लिए माफ करते रहिएगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि मिस पैंग ने ज़ियान चैन पर पीछे से अपने पर्पल फायर से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो चारों तरफ से पर्पल फायर से गिर जाता है। ये देखकर मिस पैंग काफी खुश होने लगती हैं। वहीं ये देखकर डीन और हैनहाव काफी ज्यादा टेंशन में जाते हैं। तभी वहां के पैट्रियार्क भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वहां सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो ज़ियान चैन को बचा लें, जिस पर उन्हें बताते हैं कि मिस पैंग की पर्पल फायर अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए अब तो उसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ये बात सुनते ही इन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और डीन गुस्से में आकर मिस पैंग को धमकाते हुए कहते हैं कि आज जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को इग्नोर करके हमारे एक इलाइट डिसाइबल को बिना किसी परमिशन के ही मार दिया। इस पर वो हंसती हुई कहती हैं कि तुम शायद भूल रहे हो, यहाँ पर चीफ एल्डर का बेडरूम है और ये जबरदस्ती इसमें जाने की कोशिश कर रहा था, वो भी बिना परमिशन के, इसलिए मैंने तो बस रूल्स को फॉलो करते हुए इसे सजा दी है। तभी एक आवाज अचानक से मिस पैंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम ये भी सोच सको कि तुम मुझे हराने के कैपेबल हो। और फिर अचानक से ही वो सारी की सारी फायर गायब होने लगती है जो कि ज़ियान चैन ने ही एब्जॉर्व कर ली थी। उसे सही सलामत देखकर और उसकी फायर को उसने एब्जॉर्व कर लिया, ये देखकर मिस पैंग अंदर से हिल जाती हैं और वो कहती हैं कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम मेरी पर्पल फायर से भी बच गए। इस पर ज़ियान चैन पर्पल फायर को बाहर निकालते हुए कहता है कि जैसे तुम ट्रेजर समझ रही हो, असल में वो तो बस एक कचरा है। ज़ियान चैन को सही सलामत देखकर हाओ हैन और डीन के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और एल्डर ज़ाओ कुन ये देखकर हैरान होते हैं कि ज़ियान चैन को पर्पल फायर से कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब वो समझ जाते हैं कि ज़ियान चैन ने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था। और एल्डर हुफेंग कहते हैं कि ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने तो मिस पैंग की पर्पल फायर को ही अब्सॉर्ब कर लिया। और पैट्रियार्क भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि ज़ियान चैन की पावर लियून फैंग से ही नहीं बल्कि खुद पैट्रियार्क से भी कई गुना ज्यादा होती है। तभी हम ज़ियान चैन को देखते हैं जो कि मिस पैंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मिस पैंग, आपको पता है कि मैं आपको मारने की इंटेंशन जरा भी नहीं रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपने बार बार मुझे जान से मारने की कोशिश की और अभी मुझ पर पीछे से अटैक भी किया। इतना कहते ही वो उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें घूरते हुए कहता है कि अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। और फिर वो पर्पल फायर को रेडी करने लगता है, जिसे देखते ही मिस पैंग घबरा जाती हैं और ज़ियान चैन से चिल्लाने लगती हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं हादियन सेक्ट की एक एल्डर हूँ, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ज़ियान चैन भस्म भस्म भस्मासुर की तरह उसके सिर पर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो भस्म होना शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी में आग लग जाने की वजह से वो वहाँ सीढ़ियों पे से गिरकर सीधे पैट्रियार्क के पास आ पहुँचती है और पैट्रियार्क से उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी नहीं सुनता है।
क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी गलती उसकी थी। इसीलिए पैट्रियार्क भी उससे कहते हैं कि अब जो तुमने किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम इसका ब्लेम किसी और पर नहीं डाल सकती हो। जिसके कुछ सेकंड्स बाद ही मिस पेंग का खेल खत्म हो जाता है और उनकी बॉडी बस वहाँ राख के रूप में रह जाती है। तो वहीं ये देखकर यून जियान की तो हालत पतली हो जाती है और ये देखकर वो घबरा रही होती है कि जियान चेन ने उसकी मास्टर तक को इतनी बुरी मौत दी है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। तभी अचानक से चीफ एल्डर के रूम से एक जोरदार एनर्जी बाहर निकलती है, जिस एनर्जी को देखकर पैट्रियार्क पहचान जाते हैं कि ये तो किंग वु डेल की एनर्जी है। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से चीफ एल्डर के रूम का गेट टूट जाता है और ये देखकर जियान चेन तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है कि शिट मैं तो लेट हो गया। तभी अंदर से एक डेड बॉडी बाहर आकर गिरती है, जिसे देखते ही पैट्रियार्क पहचान जाते हैं कि ये तो चीफ एल्डर हैं और उन्हें ये भी समझने में देर नहीं लगती है कि लियून फेंग ने ही अपनी मास्टर को एज अ फर्नेस यूज किया और ब्रेक थ्रू करने के लिए उसने सॉर्ड किंग का इनहेरिटेंस भी यूज किया है। जिस बात को प्रूव करने के लिए लियून फेंग खुद ही रूम से बाहर आ जाता है और हंसते हुए अपनी पावर शो करते हुए कहता है कि फाइनली आज मैं किंग वु डेल में पहुंच ही गया। उसे ऐसे देखकर एल्डर ज़ाकुन और एल्डर हु फेंग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई धोखेबाज कि तुमने अपने मास्टर के साथ ऐसा कुछ किया। मास्टर को सुनते ही लियून फेंग सीधे पैट्रियार्क की तरफ देखने लगता है। तो ये देखकर एल्डर हु फेंग पैट्रियार्क के सामने जाते हैं और उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। इस पर लियून फेंग कहता है कि उन्होंने मुझे ट्रेन ही इसीलिए किया था ताकि वो एक दिन मुझे मारकर मेरी पावर्स को हासिल कर सकें, लेकिन आज वो मेरे हाथों से मारी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसकी इस बात को सुनकर पैट्रियार्क गुस्से में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपनी मास्टर को मारा है, मेरे लिए यही काफी है। इस पर लियून फेंग कहता है कि क्या वाकई में तुम चीफ एल्डर का बदला मुझसे लेना चाहते हो। जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो कि किंग वु डेल में पहुंचे हैं, एक तुम और दूसरा मैं, लेकिन अब मेरे पास सॉर्ड किंग का इनहेरिटेंस भी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पावर्स के मामले में सरपास कर चुका हूँ। वो पैट्रियार्क से इतनी बुरी तरीके से बात कर रहा था ये देखकर हु फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो लियून फेंग को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही वो इतना बोलते हैं कि तभी लियून फेंग उन पर एक छोटा सा अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जा गिरते हैं। तो ये देखते हुए पैट्रियार्क को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखते ही लियून फेंग भी उन पर काउंटर अटैक करता है और इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े सारे एल्डर और डीन दूर जाकर गिरते हैं। लियून फेंग की पावर्स को देखकर जियान चेन कहता है कि लगता है इसे हरा पाना इन लोगों की बस की बात नहीं है। अब जैसे ही यून जियान लियून फेंग की ये नई पावर्स देखती है तो वो कहती है कि यही तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है जिसको मैं हमेशा से फॉलो करना चाहती थी। वाकई ये बहुत बड़ी दल बदलू है, इसकी मास्टर अभी भी मरी है और ये फटाक से दल बदल रही है, देख रहे हो। वहीं अभी भी इन दोनों की फाइट लगातार चल रही होती है जिसमें लियून फेंग सॉर्ड किंग सील का यूज करता है और पैट्रियार्क बुद्धा पाम का यूज करते हैं, लेकिन लियून फेंग का अटैक सीधे जाकर पैट्रियार्क को लग जाता है जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर दूर जा गिरते हैं। तो ये देखते ही ये दोनों एल्डर तुरंत ही पैट्रियार्क के पास आ जाते हैं और उन्हें उठाने लगते हैं कि तभी लियून फेंग तुरंत ही अपने आप को हाउदियन सेट का लीडर अनाउंस कर देता है और कहता है कि जहां तक मुझे पता है किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके इस डायलॉग पर पानी फेरते हुए ज़ाओकॉन और हु फेंग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक ट्रेडर हो, आखिर तुम्हें अपना लीडर यहाँ कौन मानेगा, सभी को पता है कि तुम कैसे हो। लेकिन इन दोनों को उल्टा जवाब देने के लिए हमारी मेन की यून जियान वहाँ आ जाती है और वो इन सभी को गलत बताते हुए सीधे लियून फेंग के सामने झुक जाती है और उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए उसकी डिसाइपल बनने वो रेडी हो जाती है। ये देखकर लियून फेंग खुश हो जाता है और उसे वहाँ का चीफ एल्डर अनाउंस कर देता है। ये सुनकर तो यून जियान के फूले नहीं समाते हैं, आई मीन वो फूले नहीं समाती है, क्या बोल रहा हूँ। लियून फेंग के इस ऑर्डर को सुनकर हैन हाओ यून जियान को चीफ एल्डर मानने से इनकार कर देते हैं, जिस पर डीन उन्हें समझाते हैं कि उनके पास अभी कोई चारा भी नहीं है। तभी लियून फेंग इन सभी के आगे दो चॉइस रखते हुए कहता है कि या तो मेरे सामने घुटने टेको या मरो। इस पर पैट्रियार्क सभी की जान बचाने के लिए लियून फेंग से कहते हैं कि तुम इन सभी को जाने दो, मैं तुम्हें हाउदियन सेट की लीडरशिप देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही लियून फेंग की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि बूढ़े इंसान तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ डील करने की सिचुएशन में भी हो। और फिर वो उनसे लास्ट टाइम पूछता है कि मेरे सामने झुकोगे या मरोगे। उसकी इस बकवास को सुनकर अब जियान चेन भी बोर हो जाता है, इसीलिए वो गला साफ करते हुए कहता है कि लियून फेंग शायद तुम मेरे बारे में भूल गए हो, अभी तुम्हें मुझसे भी डील करना है। इस पर लियून फेंग घूर कर उसकी तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है लिंग जियान चेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे, तुम मेरे इतने पावरफुल नहीं हो, अब अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो एक पल में मसल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम चाहो तो मुझे चैलेंज करके देख सकते हो। इस पर जियान चेन कहता है ओह मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा से अपने बाप की मौत का बदला मुझसे लेना चाहते हो, लेकिन एक बात आओ तुम्हारे पास तो अब चांस भी है तो फिर तुम डर क्यों रहे हो। इस पर पैट्रियार्क जियान चेन को सलाह देते हैं कि उसे लियून फेंग से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि लियून फेंग इस समय किंग वु रियल में है, जबकि जियान चेन तो बस
मार्शल स्पिरिचुअल रियल में है और इनके पावर डिफरेंस को देखते हुए जियान चैन को ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है। इस पर जियान चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि पैट्रियार्क आप चिंता मत कीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जियान चैन को इतना कॉन्फिडेंट देखकर वाइस लीडर हैन हाउ सोचते हुए कहते हैं कि जितना मैं जियान चैन को जानता हूँ, मैंने जब भी उसे देखा है तो वो कोई भी काम करता है तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ करता है और आज भी वो बहुत ही ज्यादा शांत है। तो हो सकता है कि इसके आगे डीन कहते हैं कि हो सकता है कि ये लियन फेंग को मार कर हमारी हाउतियान सेट को इस क्राइसिस में सर्वाइव करा पाए। इन दोनों का जियान चैन पर इतना बिलीव देखकर एल्डर जाओ को उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम जियान चैन पर इतना बिलीव क्यों कर रहे हो। इस पर वो कहते हैं क्योंकि जियान चैन ने आज तक हमें कभी भी निराश नहीं किया है। वहीं जियान चैन के बार बार उकसाने की वजह से लियन फेंग अब जियान चैन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए हैवी वेट किंग वो शॉर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है और जियान चैन को कहता है कि आज मैं तुम्हारे सारे इल्यूजन खत्म कर दूंगा। उसकी इस स्किल को देखते ही पैट्रियार्क हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हजारों साल पुरानी यूनिक स्किल है, आखिर ये इसे कहाँ से मिल गई, इसने इसे कहाँ से लर्न कर लिया। और वो याद करते हैं कि जो उनकी प्रीवियस चीफ एल्डर थी उन्होंने भी कभी इस पावर को रोक नहीं पाया था, यानी कि वो भी कभी इसको हैंडल नहीं कर सकती थी। वहीं उसकी ये पावर देखने के बाद बाकी सभी लोग भी होप करने लगते हैं कि जियान चैन उन्हें कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ले। वहीं अब ये देखते ही जियान चैन भी एक छलांग लगाते हुए आसमान में चला जाता है और अपने गॉडली ब्लड को बर्न करने लगता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। जियान चैन की इस स्किल को देखते ही पैट्रियार्क का मुंह दोबारा खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि एक तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से पर्पल फायर से भी बिल्कुल भी नहीं जला, इसके बाद भी इसके पास ये गोल्डन फ्लेम भी है, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। और अब जियान चैन की इन नई नई पावर्स को देखकर इन लोगों को जितनी हैरानी होती है उतना ही जियान चैन पर बिलीव ही होता है कि वो लियन फेंग को डिफीट कर देगा। इसी टाइम पर जियान चैन लियन फेंग से कहता है कि लियन फेंग अगर तुमने मेरे इस मूव को रोक लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। जिस पर लियन फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम बस सपने देखो। इतना कहते ही वो अपनी हैवी सॉर्ड से अटैक कर देता है। ये देखते ही जियान चैन भी अपने गॉड डेडली पाम का यूज करता है जिसकी वजह से वहां पर एक फायर फीनिक्स क्रिएट हो जाती है और वो जाकर सीधे लियन फेंग के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे देखते ही लियन फेंग के होश उड़ जाते हैं और उसके होश संभाल पाने से पहले ही जियान चैन उसके पास आ जाता है और उसके सिर पर अपनी एक एनर्जी का अटैक करता है। उसकी अटैकिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि लियन फेंग की शॉर्ट भी चकनाचूर हो जाती है और लियन फेंग इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिरने लगता है। जिस पर जियान चैन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तो बस अपने गॉडी ब्लड के एक बूंद को ही यूज किया था, इसके बावजूद भी ये मर गया। वहीं लियन फेंग नीचे गिरते हुए कहता है कि जियान चैन तुम तो गॉड हो। इतना कहते ही वो नीचे धड़ाम से जाके गिर जाता है जिसके साथ ही उसका चैप्टर परमानेंटली क्लोज हो जाता है। जियान चैन के इस सिंगल मूव में इतनी ज्यादा पावर होगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, इसीलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और सबसे ज्यादा हैरान तो हमारी पैट्रियार्क होते हैं और वो जियान चैन को देखकर कहते हैं कि पता नहीं इसकी रियल पावर्स कितनी होंगी जो उसने लियन फेंग को सिंगल हिट में ही निपटा दिया, ये तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वहीं एक साइड में बैठे हुए हम लियन जियान को भी देख पाते हैं जो कि लियन फेंग की लाश को देखकर कहती है कि जियान चैन तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर वो खड़े होते हुए कहती है कि मैंने ये सबसे बड़ी गलती कर दी जो मैंने लियन फेंग को चुना, नहीं मैंने जियान चैन की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है और उससे इतनी बुरी तरीके से बात की, पता नहीं वो मुझे सपोर्ट करेगा भी या नहीं। लेकिन फिर वो एक इविल स्माइल देते हुए कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर उसका सपोर्ट लेकर ही रहूंगी और यही सोचते हुए वो नीचे से जियान चैन को आवाज देने लगती है और उसे आवाज देते हुए कहती है कि जियान चैन ये सब मेरी गलती है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बस एक गलतफहमी के चलते किया। उसका इतना मासूम सा चेहरा देखकर पैट्रियार्क कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बेशरम है। जिस पर ज़ाओकुन भी कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, ये तो बहुत बड़ी बेशरम है, इसने अपनी मास्टर की डेथ के बाद तुरंत ही लियन फेंग को चुन लिया। और हु फेंग कहते हैं कि इतना ही नहीं, जैसे जियान चैन ने लियन फेंग को मार दिया तो ये लियन फेंग को छोड़कर जियान चैन के पास जाने लगी है, लेकिन जियान चैन इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी जियान चैन नीचे उतर आता है और यून जियान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर पैट्रियार्क को लगता है कि शायद जियान चैन यून जियान के हनी ट्रैप में फंस गया और देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि जियान चैन उसके पास जाकर उसे उसके गालों से पकड़कर उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम अपने आप को मुझसे जोड़ना चाहती हो। इस पर यून जियान खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हो सकती हूँ, तुम जो चाहोगे मेरे साथ कर सकते हो। इस पर जियान चैन उसका चेहरा छोड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए सच में कुछ भी करने को तैयार हो। इस पर वो लस्टफुल तरीके से कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए कई सारे पोजेस कर सकती हूँ। उसके बाद सुनकर हैन हाउ शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद जियान चैन उसके हनी ट्रैप में फंस गया है। जिस पर डीन कहते हैं कि ये पॉसिबल है क्योंकि जियान चैन यंग है और एनर्जेटिक है, हो सकता है कि उसका ही मन कर गया हो इस औरत के साथ खेलने का। और यून जियान भी मनी मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि जियान चैन आखिरकार उसे अट्रैक्ट हो ही गया। तभी जियान चैन अपना हाथ ऊपर उठाता है और दफा हो बोलते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रख देता है, जिसकी वजह से यून जियान साइड की दीवार में जाकर घुस जाती है। और जियान चैन कहता है
कि देखो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती हो, तुम्हें ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें ये वाला कुछ भी नहीं करने कहा था, मैंने तुम्हें कुछ और ही कहा था, तुमने तो जो भी किया है उसकी वजह से मेरा सारा कल्टीवेशन ही खत्म हो गया। इस पर जियान चैन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन तुमने लियोन फेंग का साथ दिया, जिससे ये साबित हो जाता है कि तुम एक हार्टलेस कमीनी कुतिया हो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम हाउदियन से ठीक गुनेगार हो और तुम्हारा जीना मरना अब चीफ के ऑर्डर्स पर निर्भर करेगा। और फिर वो पेट्रियाक से पूछता है कि सर आप बताइए आप इसके बाद क्या करना चाहेंगे। इस पर पेट्रियाक उसे इस मैटर में इतनी जल्दबाजी करने के लिए मना करते हैं, जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या वो हाउदियन सेट का डेप्यूटी हेड बनने में इंटरेस्टेड है। डेप्यूटी हेड का सुनते ही जाओ गुन और वू फेंग इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जियान चैन अभी इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ का डेप्यूटी हेड बन सके। लेकिन इसके विपरीत हाओ हैन और डीन इसके बिल्कुल पक्ष में होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जियान चैन यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी जियान चैन पेट्रिया को अपना जवाब देने लगता है, जिस पर वो भी एक्साइटेड होकर उसका जवाब सुनने लगते हैं। तभी जियान चैन उनको इस ऑफर के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई का सुनकर पेट्रियाक पूछते हैं तुम किस तरीके की सच्चाई की बात कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ पर किसी और पर्पज से तो नहीं आए थे। इस पर जियान चैन फालतू की बात न करते हुए सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि वो हाउदियन सेक्ट में मार्शल आर्ट स्किल्स सीखने नहीं आया था, बल्कि कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए आया था और अब वो सारी हर्ब्स को कलेक्ट कर चुका है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। जिस पर पेट्रियाक उससे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए थैंक यू, और उससे कहते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस को देखते हुए लगता है कि तुम इससे भी ज्यादा कुछ डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने न सिर्फ हमारी इस डिजास्टर में हेल्प की बल्कि अपनी सही इंटेंशंस को भी हमारे सामने रखा, जिसकी वजह से वो उसके शुक्रगुजार हैं। जिस पर जियान चैन भी उनको ग्रीट करते हुए माय प्लेजर बोलता है और फिर उनको हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही वो हर्ब्स को जल्दी कलेक्ट कर पाया। इस पर पेट्रियाक भी कहते हैं कि हमें भी खुशी हुई कि हम तुम्हारे किसी काम आ सके, और फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने जो मेरी हेल्प की है, हमारी सेक्टी हेल्प की है, हम उसका रीपे कैसे करें। और फिर वो कहते हैं क्यों ना तुम हमारे यहाँ के ऑनरेबल लीडर बन जाओ, यानी कि सेक्ट के पेट्रियाक बन जाओ, जिसके बाद तुम यहाँ के कोई भी रिसोर्सेज को इजीली यूज कर सकते हो। इस पर जियान चैन एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि चीफ उसकी पोटेंशियल को वैल्यू दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उसके और हाउदियन सेक्ट के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं। तभी एल्डर हैन हाउस जियान चैन से इस एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, डीन भी उन्हें फोर्स करते हैं कि वो इसे एक्सेप्ट कर ले, जिस पर जियान चैन ओके बोलता है और फिर एक फार्मूला निकालते हुए हैन हाउ और डीन को देने लगता है और कहता है कि आपने मुझे इतना सीरियसली लिया उसके लिए थैंक यू, मैं नहीं जानता हूं कि मैं अगली बार आप लोगों को कब देख पाऊंगा। ये एट्रिक्स या फार्मूला आपकी हमेशा ही हेल्प करता रहेगा, ये आपके लिए पिन रिफाइनिंग से लेकर आपके कल्टीवेशन में भी काफी हेल्प करेगा। एट्रिक्स या फार्मूला को देखकर ये दोनों एक काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जियान चैन अगर उन्हें कोई चीज दे रहा है तो जरूर वो बहुत पावरफुल होगी। इस बात पर मोहर लगाते हुए जियान चैन सभी को बताता है कि एट्रिक्स या फार्मूला की हेल्प से बेकार टैलेंट वाला इंसान भी सेवंथ लेवल को इजीली ब्रेक थ्रू कर सकता है। इतना ही नहीं, जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट है वो बिना किसी लिमिट्स के ही कल्टीवेट कर सकता है। और फिर वहां से जाते हुए इस फार्मूला को सीक्रेट रखने का कहता है, वरना इस फार्मूला की वजह से लोग इन पर अटैक भी कर सकते हैं। जिस पर अब हैन हाओ और डीन दोनों ही अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और जियान चैन को इस सब के लिए थैंक यू करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, हम आपको पता नहीं किस तरीके से रीपे करें। जिस पर वो जाते जाते कहता है कि तुम लोग बस डार्क इलेवन और शीतगुंग सेन का अच्छे से ख्याल रखना, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एल्डर जाकुन अपना मुंह से कोड़ते हुए कहते हैं कि अगर उस दिन ये लड़का मेरा डिसेबल बन गया होता तो आज एट्रिक्सिया फार्मूला मेरे हाथों में होता। तभी हम पेट्रियाक को देखते हैं, जिनसे एल्डर हुफेंग कहते हैं कि आपने जियान चैन पर थोड़ा और दबाव क्यों डाला, अगर वो यहाँ रुक जाता तो हम पहले के मुकाबले कई सौ गुना ज्यादा ताकतवर हो जाते। इस पर पेट्रियाक कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने भी सोचा था कि वो यहाँ रुक जाए, लेकिन उसके पास कई सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो हमारे सामने रिवील नहीं करने वाला है, और वैसे भी उसने हमें ये एट्रिक्सिया फार्मूला दिया है जिसकी हेल्प से हमारे पास कई सौ हजार जो पुअर टैलेंट वाले लोग हैं वो इजिली सेवंथ लेवल को रीच कर जाएंगे, जिससे कि हमारा सेक्ट पहले से कई सौ हजार गुना ताकतवर हो जाएगा। और फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये आदमी हमसे बिलोंग नहीं करता है, इसकी स्ट्रेंथ और इसका विजन दोनों ही हमारे कॉन्टिनेंट के ग्रेट पावर्स के डिसेंडेंट से मैच करती है। जिसका मतलब ये था कि पेट्रियाक जियान चैन को इनडायरेक्टली गॉड का डिसेंडेंट कह रहे थे। और फिर वो सभी से कहते हैं कि हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि हमारे उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। उनका इतना ही कहना था कि तभी डीन उनके पास आते हैं और उनके सामने झुकते हुए वो ट्रिक्स या फार्मूला उन्हें लेने के लिए कहते हैं, ताकि वो उसे सुरक्षित रख सकें। जिस पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि जियान चैन ने ये तुम्हें और हैनहाओ को दिया है। तो इस पर एल्डर हैनहाओ कहते हैं कि मास्टर, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसे पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे आप सुरक्षित रखिए। और डीन भी कहते हैं कि अगर हम इसे अपने पास रखते हैं तो फिर ये एक वेस्ट होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे सेक्ट के ट्रेजर के रूप में
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन किया जाए। डीन की ये बात पैट्रिया को एकदम रीजनेबल लगती है, इसीलिए वो उस स्क्रोल को ले लेते हैं और थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद वो सभी के सामने अनाउंस कर दे रहे हैं कि तुम चारों चीफ एल्डर एक बात याद रखना, इस एट्रिक्सिया फॉर्मूला के बारे में तुम कभी भी किसी के सामने भी रिवील नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि खुद के सामने भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने पर मुझे डर है कि हमारा सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जिस पर सभी चीफ एल्डर्स यस सर बोलते हैं, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एल्डर हु फेंग पैट्रिया को याद दिलाते हैं कि उन्हें किसी से डील करना है, जिस पर पैट्रिया और सभी लोग यिनजियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर यिनजियान सभी से माफी मांगती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पैट्रिया अपना हैंड साइन बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके साथ ये सीन यही कट जाता है। अगला सीन घोस्ट किंग फॉरेस्ट का होता है, जहाँ पर जियान चैन एक टोकन का यूज करते हुए हीवू चैंग को आवाज देता है ताकि वो घोस्ट किंग सिटी में वापस जा सके, जिस पर हीवू चैंग भी तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और जियान चैन को रेडी बोलते हुए तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद हमें घोस्ट किंग सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घोस्ट किंग सिटी के लॉर्ड जियान चैन का वेट कर रहे थे, क्योंकि जुई की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी ही वो चैंग वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर जियान चैन को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। जियान चैन को वापस देकर घोस्ट किंग लॉर्ड खुश जाते हैं, जिस पर जियान चैन बताता है कि वो डिमांड के हिसाब से सारी हार्ट्स को लेकर आया है, जिस पर घोस्ट किंग लॉर्ड तुरंत ही उसे जल्दी चलकर रिजुवेटिंग पिल रिफाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जुई और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। इस बात को सुनते ही जियान चैन भी टेंशन में जाता है और वो उनसे पूछता है कि जब मैं यहाँ से गया था तब तो वो ठीक थी, अब उसे क्या हो गया, जिस पर वो उसे बताते हैं कि जुई की 9-in-1 समय से पहले ही ब्रेक हो गई। इस बात को सुनते ही जियान चैन अब बहुत ज्यादा टेंशन में जाता है और वो तुरंत भागते हुए जुई के रूम में जा पहुंचता है और उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो जियान चैन है और वो वापस आ चुका है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो जैसे ही उसकी पल्स चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जियान चैन को जुई की इतनी परवाह करता हुआ देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड जियान चैन के बारे में अब थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है, और फिर वो बटलर को ऑर्डर देते हुए फर्नेस को रेडी करने और बाकी की हर्ब्स को लाने के लिए कहते हैं ताकि जियान चैन रिजुवेटिंग पिल बना सके, लेकिन जियान चैन रोक देता है और बताता है कि हमें अभी रिजुवेटिंग पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जुई की हालत पहले से कई गुना ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए इस पिल का असर उस पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। रिजुवेटिंग पिल भी जुई पर अब कोई काम नहीं करेगी, ये बात जानकर घोस्ट किंग लॉर्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन बटलर गुस्सा करते हुए जियान चैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, रिजुवेटिंग पिल मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है, तो फिर ये कैसे यूजफुल नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुमने सभी रिक्वायर्ड मटेरियल्स को नहीं खोज पाया है, जिस वजह से तुम झूठ बोल रहे हो ताकि हम तुम पर इल्जाम ना लगाएं। ये बात सुनते ही जियान चैन अपनी स्पेस रिंग में से सारे मटेरियल्स को निकालकर उनके सामने रख देता है और कहता है कि ये रहे जो भी मटेरियल्स थे जो तुमने मंगाए थे। इस पर बटलर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सारे मटेरियल्स हैं तो इसका मतलब कि तुम्हें पिल बनानी नहीं आती है। इस पर अब जियान चैन अपनी फायर को अपीयर करते हुए कहता है कि अब क्योंकि तुमने ये सब कहा है तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, अब ध्यान से देखना, जिसके बाद वो अपनी फायर को उन हर्ब्स के अंदर भेज देता है और वैनिटी पिल रिफाइनिंग मेथड का यूज करते हुए पिल को रिफाइन करने लगता है। इस मेथड को देखकर बटलर बहुत चक्कर रह जाता है, क्योंकि इस मेथड को हर कोई यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके अंदर पिल मेकर को किसी भी तरीके का फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके कुछ देर बाद ही रिजुवेटिंग पिल बनकर रेडी हो जाती है और जियान चैन उस पिल को सीधे लॉर्ड को देते हुए कहता है कि आप इसे चेक कीजिए क्या ये सही है या नहीं, जिस पर घोस्ट किंग लॉर्ड भी चेक करते हुए बताते हैं कि ये हाई क्वालिटी रिजुवेटिंग पिल है। घोस्ट किंग लॉर्ड के कंफर्मेशन के बाद जियान चैन बटलर से कहता है कि मैंने जुई को अपनी छोटी बहन की तरह माना है और मैं उसकी हेल्प तुम लोगों से किसी रिवॉर्ड के लालच में नहीं कर रहा था। अब ये सब सुनकर बटलर इतना ज्यादा गिल्टी हो जाते हैं कि वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और जियान चैन से उनकी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, जिसके साथ ही घोस्ट किंग लॉर्ड भी जियान चैन से उस पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं। इस पर जियान चैन उन लोगों को खड़े हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन लोगों की फीलिंग्स को अच्छे तरीके से समझ सकता है कि वो लोग जुई के लिए कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अब चूंकि पिल रेडी हो चुकी थी, इसीलिए जियान चैन उस पिल को जुई को खिलाने लगता है ताकि इसकी हेल्प से उसकी कंडीशन में कुछ तो सुधार आए। अब पिल को खिलाने के बाद घोस्ट किंग लॉर्ड जुई को आवाज देते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या तुम मुझे सुन सकती हो, ये पापा है, क्या तुम मुझे सुन रही हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, जिस पर अब वो निराश होते हुए कहते हैं कि जियान चैन ने पहले ही कहा था कि ये पिल किसी काम की नहीं है, लेकिन मैंने इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, अब मैं समझ चुका हूँ कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। और फिर वो गुस्सा होते हुए गॉड पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम कैसे गॉड हो, मेरी बेटी ने अभी तक अपनी जिंदगी के 15 साल भी नहीं जी पाए और फिर भी तुम उसे अपने पास ले जाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर दया है भी या नहीं। उनका गुस्सा इतना था कि बाहर बिजलियां कड़कने लगती हैं। तभी जियान चैन उनके पास आता है और उन्हें शांत हो जाने के लिए कहता है और फिर उन्हें बताता है कि उसके पास एक आइडिया तो है जिसकी वजह से जुई पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इस पर ये दोनों तुरंत ही जियान चैन से पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से जुई ठीक हो सकती है। इस पर जियान चैन बताता है ये तरीका बहुत ही ज्यादा रिस्की और डेंजरस है, लेकिन कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है, लेकिन इस ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी बात तो यही है
कि हमें एक अर्थ लेवल फायर या फिर उससे भी ऊंची लेवल की फायर चाहिए होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ ऐसी कोई फायर मिल सकती है? इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड बताते हैं कि घोस्ट फायर फॉरेस्ट में एक घोस्ट फायर केव है जिसके अंदर तुम्हें इस तरीके की फायर मिल सकती है जैसा कि तुम कह रहे हो। जिस पर जियान चैन इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए कहता है, तो वो बताते हैं कि इसके अंदर इन्फर्नो लावा है जिसमें कई सारे पाथ बने हुए हैं और अगर तुम उस पर जाओगे तो तुम फायर से जल भी सकते हो, लेकिन अगर तुम श्योर हो तो तुम वहां जा सकते हो। जिस पर जियान चैन अपनी छाती पीटते हुए कहता है कि मैं जुई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड जियान चैन के सामने सिर झुकाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बहादुर हो कि तुम मेरी बेटी के लिए इन्फर्नो लावा के अंदर भी चले जाओगे, पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा। अब इसके बाद जियान चैन जुई के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठाने वाला हूँ, मैं होप करता हूँ कि तुम इसे गलत नहीं समझोगी। और फिर जुई को तुरंत ही अपनी गोदी में उठा लेता है, जिसके साथ ही वो घोस्ट किंग लॉर्ड से तुरंत ही यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर लॉर्ड भी तुरंत ही जियान चैन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो उन्हें जाता हुआ देखकर बटलर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रिंसेस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब इसके करीब आधे घंटे बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर घोस्ट किंग केव के अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जियान चैन पूछता है कि क्या यही वो प्लेस है, जिस पर वो बताते हैं हाँ। और फिर वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे वो जगह, वहाँ पे तुम्हें वो इन्फर्नो फायर मिल जाएगी, लेकिन इस लावा को पार करके तुम्हें वहाँ जाना होगा। जिस पर जियान चैन कहता है ठीक है, बस आप चिंता मत कीजिए, जब हम वापस आएंगे तो जुई पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ होगी। जिस पर अब हम घोस्ट किंग लॉर्ड के चेहरे पर चिंता की जगह खुशी देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें जियान चैन पर पूरी तरीके से विश्वास था। इसके बाद अब जियान चैन सीधे जंप मारते हुए उस लावा पाथ के ऊपर चला जाता है और उस फायर की तरफ बढ़ने लगता है जो कि वहां पर अंदर छुपी हुई थी। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि दूर खड़े होकर जियान चैन को केव के अंदर जाता हुआ देखते हैं और सभी को बताते हैं कि कोई बेवकूफ इन्फर्नो लावा के पास पर जा रहा है, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि पिछली बार जब कोई मार्शल स्पिरिचुअल रैलम का पीक स्टेज का बंदा गया था तो आधा मीटर जाने पर ही पूरे जलकर खाक हो गया था, पता नहीं इस आदमी का क्या होगा। इन लोगों की बातें घोस्ट किंग लॉर्ड भी सुन रहे थे, लेकिन उनका बिलीव जियान चैन पर इतना ज्यादा आज पक्का था कि वो किसी भी हालत में डगमगाने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जियान चैन इतना तो स्मार्ट है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। उन हंसने वाले लोगों में दो लोग क्विन हाओ और क्विन टियान भी होते हैं और ये दोनों ही जियान चैन पर हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जियान चैन इस लावा में आज जलकर मारा जाएगा। और क्विन टियान कहता है कि अगर कोई भी इंसान जो कि किंग वू रेल में अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है और अगर वो जाने की कोशिश करता है तो वो इसमें मारा जाएगा, लेकिन ये कितनी बुरी बात है, मैं जियान चैन को अपने हाथों से नहीं मार पाया। तभी उसका छोटा भाई क्विन हाओ अजीबोगरीब तरीके से मुंह पे हाथ रख लेता है और अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो एकदम जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसे जियान चैन के मरने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। अपने भाई को पागलों की तरह हरकतें करता हुआ देखकर क्विन टियान सोचता है कि पिछली बार जियान चैन से मार खाने के बाद इसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था, जिसके बाद इसका इलाज भी चला, लगता है इसका इलाज अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। इसके अगले सीन में हमें जियान चैन दोबारा से दिखाया जाता है जो कि लगातार केव की तरफ ही बढ़ रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो लावा उसके ऊपर अटैक करता जाता है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला होता है कि तभी एक लावा का बवंडर क्रिएट हो जाता है जो कि उसके चारों ओर घूमने लगता है। ये देखकर क्विन हाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन ने उसे बचने के लिए अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी जिसकी वजह से उसे जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लावा के बवंडर में घिरने की वजह से जियान चैन दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर लोगों को लगता है कि जियान चैन आग में जलकर मारा गया। तभी उनमें से एक आदमी कुछ नोटिस करता है और वो सभी को बताता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है क्योंकि मैंने कभी भी इस लावा के बवंडर को केव के एंट्रेंस पर जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन अभी ये जा रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो लड़का अभी भी सही सलामत है? और हम देखते हैं कि जियान चैन वाकई पूरी तरीके से ठीक होता है और वो उस लावा के बवंडर से क्रॉस करता हुआ केव के पास आ जाता है। जियान चैन को एकदम चंगा वाला देखकर इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो कि केव के एंट्रेंस तक पहुंच सके। और क्विन हाओ और क्विन टियान भी अपना माथा पकड़ लेते हैं कि भाई ये किस टाइप का इंसान है। अब इसके बाद जियान चैन मुस्कुराते हुए घोस्ट फायर केव में चला जाता है जहां पर हम सामने साइड घोस्ट फायर को देख पाते हैं जिसका पूरा नाम इन्फर्नो घोस्ट फायर होता है जो कि हेवनली लेवल की फायर होती है और ये उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही बेहतर था, इसलिए वो जुई को एक तरफ लिटा देता है और फिर उस घोस्ट फायर के सामने जाते हुए कहता है कि मैं जानता था कि हर जगह कोई ना कोई हेवन लेवल की फायर जरूर होती है। मेरा नाम लिंग जियान चैन है और मैं अपने फ्रेंड को क्योर करने के लिए आपसे थोड़ी फ्लेम लेने आया हूँ, प्लीज आप मुझ पर उपकार कीजिए और मुझे अपनी थोड़ी सी फ्लेम दे दीजिए। जियान चैन के इतने तमीज से बात करने पर और इतने प्यार से मांगने पर भी वो घोस्ट फायर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड की जिंदगी से मेरा क्या लेना देना, तुम मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, अब चुपचाप यहाँ से जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। इस पर जियान चैन कहता है कि अगर आप मुझे अपनी कुछ फ्लेम देंगे तो इसमें आपको दर्द नहीं होगा, फिर भी आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप बताइए कि आप मुझसे इसके बदले में क्या चाहते हैं। रिटर्न का सुनकर घोस्ट फायर जियान चैन के पास आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा ही है
तो मुझे थंडर सिस्टम हेवन लेवल फायर ला के दो, जिसको खाने के बाद मैं तुम्हें अपनी कुछ फ्लेम दे सकता हूँ। इस पर जियान चैन उससे कहता है कि ये लगता है आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, आप जानते हैं कि आप पहले ही हेवन लेवल पर हैं और आप उसी लेवल की एक थंडर सिस्टम लेवल की फायर को एब्जॉर्व करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस पर वो घोस्ट फायर हंसते हुए कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे खाना ना खाना वो मेरा काम है। तो जियान चैन कहता है कि अच्छा तो अब मैं समझा कि आप कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते हैं। तो इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नेगोशिएशन, तुम कोई भी चीज डिजर्व नहीं करते हो, अब चुपचाप या तो मेरे लिए थंडर सिस्टम फायर लेके आओ या फिर यहाँ से निकलते बनो। उसकी ये बातें सुनकर जियान चैन समझ जाता है कि अब प्यार से काम नहीं होने वाला है, इसीलिए वो भी अपनी फायर को निकाल लेता है और कहता है कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जियान चैन के इतना कहते ही वो घोस्ट फायर जियान चैन पर अपनी फायर से अटैक करने लगती है। इस पर जियान चैन कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे और फिर वो अपनी होली रिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी की पावर का यूज करते हुए घोस्ट फायर के अटैक को काउंटर करने लगता है और देखते ही देखते उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर घोस्ट फायर जियान चैन से पूछता है कि आखिर तुम किस टाइप का कल्टीवेटर हो जो तुम मार्शल स्पिरिचुअल रियल में होने के बावजूद भी मेरे को टक्कर दे पा रहे हो। इस पर जियान चैन उस खाली खोपड़ी पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है। इतना कहते ही वो उसकी खोपड़ी से एक फायर का एसेंस ले लेता है। उसके ऐसा करते ही वो घोस्ट फायर छोटा होने लगता है और जियान चैन को उसकी वो फ्लेम लौटाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जितनी चाहोगे मैं उतनी फ्लेम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी फ्लेम का वो पार्ट मत लो, प्लीज वो मुझे लौटा दो। जिस पर जियान चैन जुई के पास आते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही पोलाइटली कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम इसके लिए रिग्रेट करो क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। जिस पर वो कहता है कि माय फ्रेंड मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अभी कोई लेट नहीं हुई है, तुम्हारे हाथ में इस समय जो फ्लेम है वो मेरी बॉडी का एसेंशियल पार्ट है, यानी कि ये कह सकते हो कि वो उसकी सोल है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने इस फ्लेम को इस लेडी पर यूज कर दिया तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ये लड़की इस चीज को नहीं सहन कर पाएगी, जिसके बाद इसकी बॉडी खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाएगी। इस पर जियान चैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो लेकिन इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है कि ये एब्जॉर्व कर पाती है या नहीं। इतना कहते ही वो उस फ्लेम को जुई के अंदर डाल देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसे हैं आप सभी? हाँ, जानता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो को लेट अपलोड किया था क्योंकि मैंने काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे दोबारा प्रैक्टिस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाला है, जिसके चलते मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट भी किया है जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है कि आप सभी कितने टाइम तक की वीडियो देखना चाहते हैं और मैंने उसमें यही बताया है कि उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए प्लीज वीडियो को यहीं रोककर सबसे पहले कम्युनिटी टैब में जाकर अपना आंसर दें, आपके आंसर के हिसाब से ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, जिससे कि आपको भी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है इसके बारे में सारी जानकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।